बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन इमरजेंसी फॉर कोर्स ऑफ पीएमएस बाय डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख तालीम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टिचिंग द वाउंड्स। स्टिचिंग दी बॉन्ड्स में हमने देखा था टांके लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है और इसका मकसद क्या है, टांके क्यों लगाए जाते हैं और किस तरह लगाए जाते हैं। स्टेप्स हमने देखे कि टांके लगाने के लिए जरूरी इकदाम क्या करने चाहिए, किस तरह जरासीम से पहले जो जख्म है उसको साफ करना चाहिए, फिर आपने स्टेरिलाइज उस एरिया को कैसे करना है, फिर उसके ऊपर टांके किस तरह नर्व करने हैं, इस पर जो सर्जिकल स्टिचेस जो की जाती हैं। और आज हमने जो स्टडी करना है वो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाउंड। जख्म को हमने स्टेरिलाइज कैसे करना है, यानी कि जरासीम से पाक किस तरह करना है। स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन भी हम देखते हैं टांके लगाते वक्त जरासीम से पाक करने के अमल को मद्देनजर रखना इंतहा जरूरी है। ठीक है, जब आप टांके लगा रहे होंगे तो वो जो एरिया है जहाँ पे कट लगा हुआ है इंजरी हुई हुई है उसको हम किसी भी एंटीसेप्टिक चीज से हम साफ करेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि बीमारी फैलाने वाले जरासीमों को जख्म के जरिए जिसमें दाखिल होने का बेहतरीन मौका होता है। इसलिए कहते हैं कोई भी कट लग जाए तो फौरन उसके ऊपर एंटीसेप्टिक अप्लाई करके उसको पट्टी कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी जरासीम जख्म के अंदर दाखिल ना हो। जख्म छोटा हो या बड़ा, लेकिन इंसान को मुगलक हो खतरनाक बीमारियों मसलन टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फेक्शन की वजह से भी पड़ने से जिसमें जहरीला मादा जिसे हम टॉक्सिकीमिया कहते हैं शामिल, उसे बचाने के लिए स्टेरिलाइजेशन इंतहाई जरूरी है। इस लाइन में क्या कहा है उत्तर में, जख्म बेशक छोटा हो या बड़ा, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो एक छोटे से कट से भी फैल सकता है। इसलिए खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए जैसे टेटनस इन्फेक्शन हो गया, ये पेट पड़ने से यानी कि टॉक्सिकीमिया जो जहरीला मादा होता है इससे हमें स्टेरिलाइजेशन करना जरूरी होती है ताकि किसी भी किस्म की उस जख्म के अंदर पेट ना पड़े और जिसकी वजह से बैक्टीरिया जिस्म के अंदर दाखिल ना हो उस जख्म की वजह से। टांके लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार अच्छी तरह जरासीम से पाक हो, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें स्टेरिलाइज होना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑपरेट होगा या फिर कोई भी पेशेंट आएगा उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा वो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए स्टेरिलाइज इंक्यूबेटर्स और स्टेरिलाइजेशन इंक्यूबेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑपरेट के दौरान या किसी भी बैंडेज वगैरह के दौरान जो यूज होते हैं टांके लगाने के लिए स्टिचिंग के लिए जो यूज होते हैं ऑपरेटर्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम स्टेरिलाइज करवाते हैं ताकि उनमें किसी भी तरह का कोई भी जरासीम प्रेजेंट ना हो। अमले को अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर जरासीम से पाक कर लिया जाए। मैंने कहा जो भी आपके हाथ हैं आप ऑपरेट हुआ या उससे पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करना है, धोना है और जरासीम से पाक करना है। जख्मों और इर्द गिर्द की जिल को एंटीसेप्टिक से जरासीम से पाक कर लिया जाए। जो जख्म है और इसकी इर्द गिर्द की जो जिल है जख्म की उसे हमने एंटीसेप्टिक लोशन से साफ कर लेना है ताकि उसके अंदर कोई भी जरासीम ना इर्द गिर्द जो प्रेजेंट है जरासीम वो चला जाए खत्म हो जाए। मरीज के मुतालिका हिस्से पर जरासीम से पाक एक बड़ा सुराख वाला कपड़ा डालकर टांके लगाए जाएं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मरीज है उसके जिस हिस्से पे चोट लगी है उस इस हिस्से पर एक हमने बड़ा सुराख
वाला कपड़ा डालना है, फिर ही हमने टांके लगाने, जैसे मेजर ऑपरेशन में जहां हम जरासीम से हम कपड़ा लेंगे जो साफ सुथरा हो वहां डालेंगे, फिर ऊपर जो सुराख है उसके ऊपर नहीं डालना बल्कि उसकी ईट की डालना है, फिर ही हमने उस पे टांके लगाने। टांके लगाते वक्त धागे या औजारों को जरासीम आलूदा शय से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। स्टिचिंग करते वक्त धागा जो स्टिचिंग थ्रेड है या फिर उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हमने हाथ नहीं लगाना, ठीक है। टांके लगाते वक्त यानी कि कोई भी जरासीम या फिर अगर आपके हाथ वॉश नहीं है उससे हमने हाथ नहीं लगाना, गंदे हाथों से हमने उन्हें टच नहीं करना इंस्ट्रूमेंट्स को। टांके लगाते वक्त धागे को मरीज के जख्म के सिवा बाकी हिस्से पर नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा जहाँ पे स्टिचिंग करनी है, जिस जख्म के ऊपर स्टिचिंग करनी है, कट के ऊपर स्टिचिंग करनी है, थ्रेड को हम सिर्फ वही यूज करेंगे, इसके अलावा हमने जिस्म के किसी भी और हिस्से पे थ्रेड को टच नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है बगैर स्टेरिलाइजेशन के एक मरीज को टांके लगाकर बाकी बचे हुए धागे या इस्तेमाल शुदा इन्हीं औजारों से दूसरे मरीज को कत्तान टांके नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। अब उसने कहा है तो एक मरीज को आपने पूरा अच्छी तरह स्टीरलाइज उसके उस हिस्से को किया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया, जो थ्रेड है इंस्ट्रूमेंट्स है वो कंप्लीटली स्टीरलाइज थे। अब उसने कहा है जो बाकी बचा हुआ धागा है वो आपने दूसरे पेशेंट को उसी तरह उस पे यूज नहीं कर लेना चाहिए बल्कि दोबारा से आपने उस धागे को, उस इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा से आपने स्टरिलाइज करना है, फिर ही आपने दूसरे पेशेंट पे जो आपके पास आ रहा है जख्मी हालत में उस पे आपने दोबारा से अगेन उस स्टेप को रिपीट करना है स्टार्ट से, और उस पे फिर आपने दोबारा से स्टार्ट अपना प्रोसीजर करना है। ये नहीं कि एक पेशेंट गया तो दूसरा आ गया तो उस पे भी वही इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, वही धागा यूज हो रहा है स्टिचिंग के लिए। मरीज को बचे हुए धागे के टुकड़े से कत्तान टांके नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही दोबारा रिपीट किया है कि जो धागा बच गया है आपने वो उसी से दोबारा स्टिचिंग नहीं स्टार्ट कर देनी बल्कि दोबारा से नया धागा इस्तेमाल करना है, बल्कि हर मरीज के लिए जरासीम से पाक नया धागा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। आपने दोबारा से एक नया धागा लेना है जो स्टेरिलाइज हो, फिर उससे आपने उसकी स्टिचिंग करनी है बाउंड की, ताकि गंदा धागा होगा तो इसका मतलब जरासीम हो सकता है दोबारा जख्म के अंदर दाखिल हो जाए। इसलिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप हर चीज, एक पेशेंट आपके पास हो गया उसके लिए वही प्रोसीजर अपनाएं, स्टेरिलाइज हो हर चीज, उसके बाद जब दूसरा पेशेंट आ रहा है उसके बाद तो उसके लिए भी वही दोबारा से प्रोसीजर रिपीट किया जाए और उसकी हर चीज दोबारा से स्टरिलाइज्ड होनी चाहिए। अगर जरासीम से पाक करने के सिलसिले में गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जाए तो जख्म में जरासीम के असर अंदाज होने से इन्फेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर जरासीम से पाक करने के सिलसिले में गैर जिम्मेदारी यानी कि अगर आपने जिम्मेदारी नहीं ली और वैसे ही वही धागा आपने, वही इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले पेशेंट के लिए यूज किए थे वही दोबारा आपने दूसरे पेशेंट को भी इस्तेमाल करने लग गए हैं बगैर उसे दोबारा स्टरिलाइज किए हुए, तो हो सकता है इन्फेक्शन उस दूसरे पेशेंट को हो जाए, क्योंकि आपने उसे पहले पेशेंट का ही यूज किया हुआ सामान से दोबारा आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और आपने किसी भी किस्म का उसे स्टरिलाइज नहीं किया, और इस इंफेक्शन से भी पड़ने के इम्कान हो सकते हैं। और हो सकता है कि उस वजह से जो दूसरा पेशेंट आ रहा है जिसे आप बगैर स्टरिलाइज किए हुए दोबारा वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके जख्म जो है उसमें भी पड़ने के इम्कान हो। अगर जख्म बड़ा या गहरा हो तो पीप जिस्म में गहराई तक जा सकती है, ठीक है। अगर जख्म बड़ा और गहरा है तो हो सकता है जो पस है वो अंदर तक चली जाए, जिसे बाहर निकालना और जख्म को अच्छी तरह धोकर साफ करना नामुमकिन हो जाता है, या फिर पीप की सफाई के लिए मजीद बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे वही है कि अगर आपने किसी भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तो ये
गैर जिम्मेदारी पेशेंट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, पेशेंट के लिए मजीद मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए आप जो भी अपडेट हो रहा है, हर अपडेट के दौरान आप दोबारा से स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करें, ताकि जो पेशेंट है उसे किसी भी किस्म की परेशानी आगे जाके ना हो, ना ही उसके जो जख्म है उसमें पस पैदा हो, ना ही वो गहराई तक जाए, ना ही वो किसी किस्म की मजीद इंफेक्शन पैदा कर सके। बड़े या गहरे जख्म में जरासीम की इंफेक्शन की वजह से टीप पड़ने से मरीज शॉक यानी कि सेप्टिक शॉक में जा सकता है। जो पीप है वो क्या है? उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करता है, वो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको इफेक्ट कर सकता है, जिससे सेप्टिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। इस पीप पड़ने से खून में जहरीलापन शामिल होने से सेप्टिसीमिया या नोसेप्टिसीमिया हो सकता है, जिससे मौत वाकिया हो सकती है। लोग कहते हैं ना, पस पड़ गई कुछ नहीं होता, खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो पस होती है अक्सर इसमें जहरीलापन शामिल होता है, हमारे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे जाके खतरनाक हो सकते हैं, सेप्टिसीमिया बॉडी में कॉज कर देते हैं, जिससे डेथ भी वाकिया हो सकती है या फिर कोई दूसरी बड़ी पेचीदगी ये पैदा कर सकती है। अगर टांके लगाने के सामान यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बचा हुआ धागा यानी कि सूचर जो थ्रेड है जो टांके लगाने के दौरान इस्तेमाल में आ चुका हो, दीगर मरीजों के लिए इस्तेमाल होता रहे, तो दर्जे ज़ेर खतरनाक और मुहलक बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वही रिपीट कर रहा है कि अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो सूचर थ्रेड है, अगर आप एक पेशेंट को यूज कर लिया वो स्टीलाइज था, लेकिन आप आगे 3-4 पेशेंट्स वैसे ही आ रहे हैं लगातार, तो आप उन्हें वही यूज थ्रेड और वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसी आप सूचर से आप उन्हें टांका लगाए जा रहे हैं, उनकी सफाई किए जा रहे हैं, तो उन मरीजों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। कौन से खतरनाक और मुहलक बीमारियां उनमें मुंतकिल हो सकती हैं? ये बीमारियां खतरनाक और मुहलक हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टरीलाइज नहीं होगा, ना ही थ्रेड स्टरीलाइज होगा, तो कौन कौन सी बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं? हालांकि अस्पताल और क्लिनिक बीमारियों के इलाज और बीमारियों की रोकथाम के लिए कायम किए जाते हैं। पेशेंट एक आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, ताकि जो तो हॉस्पिटल और क्लिनिक है उसमें उसका बेहतर तरीके से इलाज हो सके और वो सेहतयाब होकर बाहर निकले। लेकिन अगर आप खुद ही गैर जिम्मेदारी शो कर रहे हैं, लापरवाही शो कर रहे हैं, तो वो एक छोटे से कट से एक बहुत बड़ी बीमारी में पेशेंट जो है वो मुंतकिल हो सकता है, उसको एक बड़ी बीमारी हो सकती है। अक्सर होता है कि एक हेपेटाइटिस का पेशेंट आ गया या एड्स का पेशेंट आ गया है, वो उसी से उसकी ऑपरेट किया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसको वो इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर उसका ब्लड लगा हुआ है, और वही आप बगैर उसको वॉश किए, बगैर उसे स्टरीलाइज किए, आप वही आपने दोबारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दूसरे पेशेंट को, एक हेल्थी पेशेंट आपके पास आया है उस पर आप यूज करने लग गए हैं, तो क्या होगा? वो एड्स या फिर हेपेटाइटिस जो है वो उस जो हेल्थी पेशेंट था उसको मुंतकिल हो जाएगा, उसका जो वायरस है उस पेशेंट के अंदर मुंतकिल हो जाएगा ब्लड के थ्रू, तो क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस मुंतकिल हो जाएगा और वो उसके लिए मजीद खतरनाक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ठीक है, हमने लापरवाही दिखाई तो मामूली बीमारी के इलाज के साथ साथ बड़ी खतरनाक और मुहलक बीमारियों की मुंतकिल होने का बाइस बन सकती है। बगैर स्टरलाइजेशन के दर्जे ज़ेल बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं। मसलन कौन कौन सी? अगर हम हल्की सी भी अपनी जरा सी भी लापरवाही दिखाते हैं, तो एक जो हेल्दी पेशेंट है वो एक बड़े मसले में पड़ सकता है, उसे खतरनाक बीमारी हो सकती है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो सकता है, और रेबीज यानी कि बावलापन उस पेशेंट को मुंतकिल हो सकता है। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि अगर हम क्लिनिक या हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पे जो ऑपरेटर्स है, वहाँ पे जो सूचर थ्रेड स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है,
वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए जहाँ पे उसका बेड ऑपरेशन थिएटर साफ होने चाहिए, ताकि जो पेशेंट वहां पे अपना ऑपरेट करवाने के गया है तो उसे कोई भी खतरनाक किस्म की बीमारी उसके अंदर मुंतकिल ना हो सके। तो हमने इस चीज का इंतहाई जरूरी ख्याल रखना पड़ता है और इसके लिए हमें बेहतर इकदाम करने चाहिए और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ स्टिचिंग द वॉक्स। थैंक यू सो मच।